सर्वजाति बुद्धियान ऊपर घने कम प्रधानिकम ब्रह्मकुमस्त दशितम न धरती रहे न आकाश रहे न सूर्य रहे न चंद्रमा रहे न दिन होके न रात होके वो मेरा सिर्फ है वो ब्रह्म रह रहे उनको को लुआकार ना रहे कई तरह के लोग कहे यही बतिया के कबीर लागी लिखे बने की वर्ण कवन रूप अनुरेखा दूसर या कवन के ही देखा जहिया रहे पवन नहीं पानी तहिया सृष्टि कवन उत पानी जहिया रहे गुरु नहीं चेला गम्य अगम्य न पंथ दुहेला ओमकार नहीं आदि वेदा ताकि कवन कहे कुल भेदा केहू रहे न कहीं देखे वाला तो की बताओ जो के रहे कवन रूप में रह रहे लेकिन सहज शून्य मन सुनीर के प्रकट भाई एक जोत बलिहारिता पुरुष के निरालंब जेही हो एगो ज्योति प्रकट भइल अनुभव भइल कि केहू रहे बिना अवलंब के एही बतिया के मोहम्मद भाइयों के पुराण में लिखल बा कि हुआ रब को मंजूर खिलकत बनाना तो पहले उसने नूर अपना पैदा किया था न था यश कुर्सी न लौह कलम था न था चांद सूरज जमीन आसमां था नया दम न हुआ न हु लो फलक थे फकत नूर था और वही किबरिया था उसी नूर पेशानी आदम में चमका उसी नूर को सबने सजदा किया था परानूर सजदे में लाखों बरस तक खुदा की हम दो सना पड़ रहा था समझो जी बिल्कुल पुरस्कार वाह हमारी तरफ से सुविधा वाह यही बात के तुलसीदास जी लिख रहे बनी कि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकलम से होगी बिनु पानी बक्ता बड़ जोगी कोनो शरीर उनका ना रहे कोनो अंग ना रहे जो सब काम करत रहे तो उनका खाली धरती खास से काम मतलब बा जब उनका इच्छा भई सृष्टि करे के देवी भागवत पुराण में लिखल बा शिव पुराण में लिखल बा कि शिव रूप में रहले विष्णु पुराण में लिखल बा कि विष्णु पुराण में विष्णु रूप में रहले देवी भागवत पुराण में लिखल बा कि दुर्गा के रूप में रहले इच्छा रूप धरे जग मानी आप शक्ति अष्ट भोजी भगवान शंकर जी बताओ तनी कि ब्रह्मा विष्णु हंडल मारता